मुझे उस कमरे तक आवाज़ आ रही है। लगता है उम्र के साथ तुम बहरे भी हो गए हो। बहरा नहीं हूँ, तुमसे ज्यादा सुनाई देता है। हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो फोन नहीं उठा रहे? रात को मैं फोन उठाऊंगा तो जरूर होगी कोई बैड न्यूज, तुम उठाओगी तो होगी गुड न्यूज, इसलिए तुम्हें जगाया। हेलो बॉस, आपकी गाड़ी मिल गई बॉस। हाँ, पापा की हाफ गर्लफ्रेंड। हाँ वही। गुड न्यूज। वो खटारा तो इसकी जान है बॉस, अभी वो जंगल में खड़ी है और वो चोरनी भी उसी में बैठी है। ए, तू कार के डिक्की में छुप जा, कुछ करना मत, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ए डुप्लीकेट, करण को बुला। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? बॉस चिंता बिल्कुल मत करो, 15 मिनट हो गए और गाड़ी बिल्कुल हिली तक नहीं है। पिछवाड़े में कुछ चुभ रहा है। क्या है वो? हेलो, पिताजी की आत्मा ऊपर नहीं गई, इसी कार में है। तो माँ क्या इसी डिक्की में है? क्या बोला? बॉस आपको पता है आपकी माँ यहाँ डिक्की में बंद है। मेरी माँ? क्या मतलब, पागल हो गया है क्या? सच कह रहा हूँ, दूध की तरह चमक रही है मेरी माँ। और गोरी? सच कह रहा हूँ, जो देखा वही बता रहा हूँ। ए 420, यहाँ छुपकर बैठे हो? मेरी गाड़ी कहाँ है? बेटे की शक्ल वाले और कितनों को लूटा? अरे श्रवण, अपने पापा से मिले कि नहीं? क्या नौटंकी है, अभी भी एक्टिंग कर रही है? बता मेरी गाड़ी कहाँ है? मेरी कार चुराने वाली से ये बात क्यों कर रहा है? बेटे वाली, लिफ्ट देने वाली, लिफ्ट लेने वाला, सबके सब फ्रॉड है। और तू कपड़े चुरा के नंगा घुमाने वाला भी इनके साथ ही है। ए करण, कैसा है? मैं बेहोश होने वाला हूँ, ऐसे कोइंसिडेंस मनमोहन देसाई की फिल्मों में भी नहीं होते। टकलू तो इधर ही आ रहा है। ए, अरे टकलू, तूने मुंडन करवाया है या तू बचपन से गंजा है? ए चोर चाची 420, तो तू गैंग लीडर है? ना मैं हूँ। तू बैठ रहे? ओके। अरे बैठ जा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन हूँ और तूने मुझे ही चूना लगा दिया। अब तू देख, तेरे बाल काट के तुझे टकली बना के बदला लूंगा। लगे हाथ मेरा भी शेव कर देना, लगता है टकला भड़क गया। चुपचाप मेरी कार से उतर, मैं वहाँ आया तो बहुत बुरा होगा। आंटी, ए बद्री, क्या बिगाड़ लेगा ये गंजू? बद्री, मुझे गंजा बोला? औरत से क्या बात करता है, हिम्मत है तो मुझसे बात कर। पैदा होते ही अपनी माँ को निकल गया, तीसरी कक्षा में 3 बार फेल हुआ, गाड़ी चलानी तो सीख ली पर दादा को ही टपका कर मार दिया, शादी करने गया तो 70 लड़कियों ने तुझे रिजेक्ट किया, फाइनली गन की नोक पर तूने शादी की, गाड़ी की बैटरी का पानी पी गया तो गला खराब हो गया और अब कौए जैसी आवाज है। गाड़ी चलाना सीखा तो पुलिस वाले को उड़ा दिया और सीधा जेल गया, जेल जाके अपनी खुद की पहचान बनाई और शहर का डॉन बन गया, पहली बीवी छोड़ गई, दूसरी का कत्ल तूने कर दिया और अब तीसरी जाने की तैयारी में है। क्यों, सच कह रहा ना टकले? Am I right? वाह यार, खुद के बारे में इतना तो मैं भी नहीं जानता। तुम्हारे पापा को इतनी महंगी कार गिफ्ट करने वाली हाफ गर्लफ्रेंड यही लेडी है। अपनी अमानत को वापस लेने में कौन सी खराबी है? ये वही हाफ गर्लफ्रेंड है? यही है तेरे पापा का ओरिजिनल प्यार, तेरी माँ की बहन। चुप रे, पैर छू। छोटी माँ। छू। मासी मुझे माफ कर। बस, इट्स ओके। मेरी प्यारी मासी, इतने दिन कहाँ थी आप, किन मुश्किलों में मैं जी रहा था, क्या आप जानती है अपने इस भांजे से मिलने क्यों नहीं आई? मैं एक अनाथ आश्रम चला रही हूँ। बुड्ढी ने फिर से नौटंकी शुरू कर दिया। ये उसी अनाथ आश्रम के बच्चे हैं, मतलब मेरे भी बच्चे हैं। मम्मी मुझे लॉलीपॉप चाहिए। घर चल के देती हूँ। मौसी आपको पहचानने में भूल हो गई, यू आर अ ग्रेट मौसी, प्लीज मेरे साथ घर चलिए, ना मत कहिएगा। हे बॉस, उस मौसी को छोड़िए, आपकी ओरिजिनल माँ यहाँ डिक्की में पड़ी है। जल्दी से नई कहानी बनाओ। मेरी माँ वहाँ कैसे हो सकती है? अपना दिल जरा मजबूत करके सुनो। क्या? वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पापा उनसे बहुत प्यार करते थे, जब वो मरी तो उन्होंने उसे दफनाने से इनकार कर दिया और इसीलिए कार को ही उनका परमानेंट एड्रेस बना दिया। मैं इसीलिए तो वो कार लेके भागी थी वहाँ से।
तुम मेरे दिल में एक बार झांक के देखो, कितनी ममता है तुम्हारे लिए मेरे मन में। माँ नहीं हूँ तो क्या, मौसी तो हूँ ना मैं तुम्हारी बेटा। मौसी, मैंने अपनी माँ की फोटो पहले कभी नहीं देखी। मम्मी, पहली बार मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। मम्मी, जीते माताश्री। मम्मी, जन्म लेने के बाद आज पहली बार देखा है मैंने आपको। मेरे नसीब में कल का हिस्सा लिखा था। मम्मी, चलो विजी, चलो बहुत चुप हो जाइए, संभालिए अपने आप। मेरे बाप ने कभी इस बारे में नहीं बताया। मेरे वो लोग हमारी जीप लेकर भाग रहे हैं, उसमें उन्हीं का हक है। मेरे पापा की तरफ से मौसी को तोहफा है। मम्मी, अरे मैं उस टकले को कुछ भी फेंक के जा रही थी और वो मेरी हर बात में हाँ कह रहा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसने मान कैसे लिया। हाँ, उसके बाप को डायरी लिखने का बड़ा शौक था, इसमें उसने अपनी और अपने बेटे की पूरी कहानी लिखी हुई। अभी अंडरस्टैंड किया, तो तुम उस दिन स्टोरी बुक के जैसे ये रीड कर रहे थे। स्टॉप इट। अब इसे क्या हुआ? क्या हुआ विजी? अगर खाली हाथ गए तो वो मेरी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो कंकाल ले जाते तो क्या छोड़ देते? वो हमारा लुकआउट नहीं है, उन्हें जो बॉक्स चाहिए था हम दे देते। उसमें कंकाल था या खजाना, वो बॉक्स हम उसी कार में छोड़ा है। पराए लोगों की हेल्प करता हूँ। हाँ। अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ की हेल्प नहीं करूँगा। हाँ। ये क्या है? ये डॉटर इन लॉ कौन है? अरे यार, मेरी इंग्लिश तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं, समझा यार। तुम्हारी स्मॉल सिस्टर्स, सिस्टर इन लॉ। वही वही। ओ गॉड। लेकिन कैसे बद्री? भरोसा रख, कल शाम को हम सब मिलकर उसके साथ आइसक्रीम खा रहे होंगे। ओके, अच्छी बात है। कल तुम तीनों जाना, फाइट शाइट करना और उससे बचा लाना। मैं तुम तीनों के लिए पनीर के पकौड़े बनाकर रखूंगी। हे, पूजा अमावस्या से पहले होने वाली है, क्यों नहीं बताया? फ्री आउटगोइंग प्लान होने का क्या फायदा? और वो बॉक्स खोलने के लिए तुमसे किसने कहा था? मैं चले, मेरी मूर्तियां दे दे, मुझे जाना है। ए, थोड़ा साइलेंट रहो। अरे बॉस, उन्होंने डेट चेंज किया, पूरे गांव वालों ने हमें बॉक्स निकालते देख लिया और मारा मारी हुई और उसमें बॉक्स गिर गया। उसे खजाना कहते हो? बेचने जाएंगे तो लोहे का भाव भी नहीं मिलेगा। क्या किया आपने? एक कंकाल के लिए इतना झंझट, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जैसा तुमने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। मेरा काम पूरा हुआ, अब मेरी बहन कहाँ है? अमो कहाँ? ये क्या गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? चुपचाप बैठ जा, मेरी बहन कहीं नहीं गई है। अमो, बोला ना, चुपचाप बैठ। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ रखा है उसे? चुप रहने के लिए बोल रहा हूँ ना। बहरी है क्या? में दम है, माइंड ब्लोइंग। तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़े हो? यहाँ मेरा राज चलता है। सर, जरा जगह देंगे? अब इसकी हालत खराब। मरियल गुंडों को मार के खुद को 30 मार का समझ रहे हो?
बॉस आपको सिर्फ वो कंकाल ही चाहिए ना? ए, सिर्फ वो कंकाल नहीं चाहिए, बॉक्स भी चाहिए। ये लाएगा तू साथ जा इसके। सुपर इंटेलिजेंट। ए, बॉस का ऑर्डर है, चलना ही पड़ेगा। ए, तुम अलग से इनविटेशन दो, चलना। बद्री। ये यही रहेगी, बस कंकाल ले आओ और इसे ले जाओ। अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो इसे मार के इसका भी कंकाल एक बॉक्स में डाल दूंगा। बद्री, मेरी बहन को बचा लो, तुम आखिरी उम्मीद हो। हेलो, कम मिस्टर रोमियो, काफी रोमांस कर लिया, अब जादू की झप्पी बाद में कंटिन्यू करना। ए, ले जाए इसे। ए, शाने, क्या कर रहा है? बॉस को उंगली नहीं दिखाते, समझे? बॉस, बॉक्स लेके ही कमिंग। चलो, चलो। बद्री, बद्री। इनसाइड, इनसाइड, ले जाओ अंदर। छोड़ो। मुझे इन पर भरोसा नहीं है आनंद, हमें भी इनके साथ चलना चाहिए। आपके दादा पर शक होने लगा है। खजाने के नाम पर एक कंकाल छोड़कर गए, आपके और आपके पापा को बेवकूफ बनाया है। गधा कहीं का, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आखिर आपने उसे शूट क्यों किया?